ग्वालियर जिले में क्राइम ब्रांच के साइबर क्राइम विंग ने एक युवक के साथ हुई ठगी के रुपए वापस कराए। बता दें कि बीते दिन एक युवक के साथ क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी हुई थी और जब फरियादी के रुपए वापस मिले तो वो साइबर क्राइम विंग को धन्यवाद देने क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचा। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने कहा कि विनय नगर के रहने वाले प्रवीण श्रीवास के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ठग ने क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन का झांसा देकर उनके खाते से 57,000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संबंधित खातों को फ्रीज कराकर फरियादी की रकम उसे वापस लौटाई गई। इसके तहत ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने शहर के लोगों से अपील की कि किसी को भी अपने बैंक डिटेल की जानकारी ना दें और कोई भी शंका होने पर 1930 के माध्यम से ग्वालियर पुलिस को और क्राइम ब्रांच को सूचना दें और धोखाधड़ी से बचें। क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने जो है एक फरियादी द्वारा उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया था, क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के नाम पर फरियादी हैं प्रवीण श्रीवास विनय नगर के रहने वाले हैं, उनके अकाउंट से 57,600 रुपये का साइबर फ्रॉड कर लिया था। उनने क्रेडिट कार्ड के वेरिफिकेशन के नाम पर उनने OTP बता दिया था, मगर चूंकि वो उनको ऐसा तत्काल एहसास हुआ कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो सीधे आके यहाँ क्राइम ब्रांच में और साइबर में हमारे यहाँ ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कंप्लेंट करी। SP सर ने तत्काल उसमें कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया तो हमारी साइबर टीम ने जो है उसके जो है पूरे खाते फ्रीज करवा दिए और मेल करके उनके अकाउंट में पैसे वापस आ गए। उनके द्वारा पुलिस को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया और उनको खुशी हुई कि तत्काल सूचना देने पर साइबर टीम ने उनके पैसे वापस लौटा दिए।